हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियलजी टेक। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको नेशनल एम्प्लॉयमेंट सर्विस में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, जहां से आप कई जॉब्स के लिए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, बहुत से लोगों की जॉब चली गई है और बहुत से लोग वर्क एट होम कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों की सैलरी कम कर दी जा रही है। लेकिन ये आपके पास ऑप्शन है, अगर आप घर पर खाली बैठे हैं और आपको कोई एक्सपीरियंस है तब तो बहुत अच्छी बात है। तो इस पोर्टल से आप रजिस्टर कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट का ही एक पोर्टल है, हो सकता है इसके बारे में आपको पता हो, लेकिन आपको ये ना पता हो कि इसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप किसी भी जॉब के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं पूरा आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको किसी भी जॉब के लिए कैसे फाइंड करना है और उसके बाद उसमें कैसे अप्लाई करना है। तो मैं ले चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूँ कैसे आपको नेशनल एम्प्लॉयमेंट सर्विस में रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप आएंगे sevayojan.up.nic.in पे। ये URL मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप डायरेक्ट क्लिक करके इस ऑफिशियल वेबसाइट पे एम्प्लॉयमेंट की आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद आपके सामने इस तरह का पॉपअप खुलेगा जिसमें बताया है कि कोरोना संक्रमण से आपको कैसे बचना है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये क्लोज का बटन है, आप यहाँ पर क्लिक करके क्लोज कर दीजिएगा। उसके बाद आप इसको भी पढ़ लेंगे, ये क्रॉस का बटन है, आप यहाँ पर क्लिक करके इसको बंद कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर लैंग्वेज का ऑप्शन है, आप यहाँ पर कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ दो ऑप्शन आ जाएंगे, हिंदी या इंग्लिश का। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं पढ़ने के लिए, आप उस लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे तो वेबसाइट उसी लैंग्वेज में चेंज हो जाएगी, फिर से रीलोड होगी और देख सकते हैं फिर से ये पॉपअप आ गया। आप यहाँ से क्लोज कर देंगे, इस पॉपअप को भी आप यहाँ से क्लिक करके क्लोज कर देंगे। अब आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये ऑप्शन देख रहे हैं न्यू अकाउंट का, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आएगी जिसमें पहले आपको साइनअप करना होगा, जहाँ से आपको एक ड्रॉपडाउन में पहले ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा कि आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आप जॉब देते हैं या फिर सेवा मित्र हैं। तो यहाँ पे जो दो ऑप्शन है स्टार्टिंग के, अगर आपकी कंपनी है और आप किसी और को ढूंढ रहे हैं, कोई एम्प्लॉई को, तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे। प्रोसेस दोनों का अंदर से साइनअप करने के बाद एक जैसा ही है। उसके बाद अगर आप खुद के लिए जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप जॉब सीकर, जो पहला ऑप्शन टिक रहता है, आप इसी पर रहन देंगे। उसके बाद यहाँ पे नेम डालेंगे, जो भी एप्लीकेंट है या जो भी एम्प्लॉयमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहा है। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, एक यूज़र आईडी है चाहे तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा, आपको याद रहेगा कि आपका मोबाइल नंबर ही आपकी यूज़र आईडी है। उसके बाद इस वेबसाइट में लॉग इन करने के लिए एक 8 डिजिट का पासवर्ड बना लेंगे, उस पासवर्ड को यहाँ कन्फर्म करेंगे। उसके बाद ये कैप्चा कोड दिया है, आप यहाँ एंटर करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर डिटेल्स को फिल कर लेता हूँ, फिर आपको फिल करने के बाद सबमिट करके दिखाता हूँ कि क्या प्रोसेस आगे का होगा। तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आएगी जिसमें जो आपने रजिस्ट्रेशन में अभी नंबर का इस्तेमाल करा वो नंबर शो होकर आ रहा है। अब आपको यहाँ पे ये दिया गया कैप्चा कोड इंटर करना होगा। कैप्चा कोड दोबारा से इंटर करने के बाद यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं OTP भेजेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP भेज दी जाएगी, जो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे नीचे, और जो OTP आपको रिसीव हुई है वो आप यहाँ पर डालेंगे। OTP इंटर करने के बाद यहाँ प्रविष्टि करें के ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लॉगिन हो जाएंगे अपने पोर्टल के अंदर। लेकिन अभी जो आपने एक यूज़र आईडी बनाई है, जैसा मैंने बताया कि आप अपने फ़ोन नंबर से लॉगिन कर सकते हैं, और आपने जो पासवर्ड बनाया आप उसको याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर लॉग आउट हो जाते हैं या आपका नेट बंद हो जाता है या किसी वजह से सिस्टम क्रैश हो जाता है तो आप उसी डिटेल की हेल्प से आप दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट लॉगिन हो गया है, यहाँ पर जो नेम मैंने डाला था वो शो होकर आ रहा है और ऊपर भी यहाँ पे नेम आ रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये निकास लिखा है, इसका मतलब यहाँ होता है लॉगआउट का, और यहाँ भी आप डायरेक्ट लॉगआउट कर सकते हैं। तो आपके सामने देख सकते हैं इस तरह से स्क्रीन आती है जिसमें आपको कंप्लीट करना होगा 9 पार्ट्स में। आप देख सकते हैं 9 पार्ट्स हैं, 1 से लेकर 9। पहला है पर्सनल, फिर कॉन्टैक्ट, फिजिकल, एजुकेशन, लैंग्वेज, स्किल, एक्सपीरियंस, प्रेफरेंस और डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे आपको फिल करने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो भी ये टैब खुल जाता है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से ये फॉर्म खुल जाता है जो आपको भरना होगा। वापस से अगर आपको फर्स्ट स्क्रीन पे आना है तो ये डैशबोर्ड का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वापस से आप यहीं पर आ जाएंगे। वैसे यहाँ पर एक ऑप्शन और है जहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं, ये प्रोफाइल एंट्री का ऑप्शन देख रहे हैं, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वापस से आप पहले वाले फॉर्म पर यहाँ आ जाएंगे। जब यहाँ पर आप आएँगे तो यहाँ पे आपको ये पूरा फॉर्म फिल करना होगा, उसके बाद ये सेव का बटन है, आप यहाँ सेव कर देंगे तो डिटेल सेव हो जाएगी। लेकिन ऊपर आप देख सकते हैं पर्सनल, कॉन्टैक्ट, फिजिकल, एजुकेशन नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस, प्रेफरेंस और डिक्लेरेशन। ये वही ऑप्शंस दिए हैं जो आपको यहाँ डैशबोर्ड में रेड कलर के ऑप्शंस में दिखाए हैं, आप देख सकते हैं। जब आप वहाँ पर टैब्स को फिल करते रहते हैं, सेव करते हैं, तो यहाँ पर ये जो टैब्स हैं ये ग्रीन कलर के हो जाते हैं।
आप जिस भी टैब को इनकम्प्लीट छोड़ देंगे वो रेड कलर से शो होता रहेगा, जो कम्प्लीट हो जाएंगे यहाँ ग्रीन कलर से आपके डैशबोर्ड में शो होने लग जाएंगे। तो आप फॉर्म को फिल करने के लिए चाहे यहाँ से क्लिक करिए चाहे प्रोफाइल एंट्री से क्लिक करिए, आपको एक ही जगह पे पेज ले जाता है। तो यहाँ पे अब फॉर्म में क्या क्या भरना है मैं बता देता हूँ। और यहाँ एक चीज़ और है, आप जब यहाँ पे सेव करेंगे तो ये ऑटोमेटिक नेक्स्ट स्टेप पे नहीं आता है जैसे बाकी वेबसाइटों में आजकल होता है। आप जब यहाँ पे सेव करते हैं तो आपकी पेज की इंफॉर्मेशन यहीं पे सेव हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए आपको फिर से देखिए इस तरह से क्लिक करना होता है। तो यहाँ ये कंडीशन नहीं होती कि आपका फर्स्ट स्टेप नहीं भरा तो सेकंड स्टेप नहीं भर सकते, अगर आप चाहे तो डायरेक्टली डिक्लेरेशन दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये हो जाएगी कि आपकी जो प्रोफाइल इंफॉर्मेशन है जो यहाँ मांगी गई है, सब फिजिकल कॉन्टेंट एजुकेशनल स्किल्स एक्सपीरियंस, ये सब इनकम्प्लीट माना जाएगा। और आप जब अभी मैं बताऊँगा कि कैसे आपको किसी जॉब के लिए इसी में से अप्लाई करना है तो उसमें प्रोफाइल आपकी इनकम्प्लीट होगी तो वैसे भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए पहले आपको ये सारे डिटेल्स भरनी है। भरने के लिए सबसे पहली डिटेल्स पे हम लोग आएंगे पर्सनल की। अब यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या भरना है, फिर उसके बाद मैं अपनी पूरी प्रोफाइल को कंप्लीट करके आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे आप किसी जॉब के लिए इसमें फिर अप्लाई करते। तो सबसे पहले यहाँ जो अप्लीकेंट है वो अपना फर्स्ट नेम डालेगा, मिडिल नेम है तो डालेगा, लास्ट नेम है तो डालेगा। अगर सिंगल नेम लिखते हैं तो फर्स्ट नेम में ही लिखेंगे, मिडिल नेम और लास्ट नेम ब्लैंक छोड़ देंगे। अगर दो नेम है जैसे रवि सिंह तो आप यहाँ रवि को फर्स्ट में लिखेंगे और सिंह को लास्ट में लिखेंगे, जो सरनेम होता है। उसके बाद यहाँ पे नेम अपना हिंदी में पूरा लिखना होगा। यहाँ पे आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जो मैरिटल स्टेटस होगा आप वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फादर का नेम है यहाँ पे आप इंग्लिश में डालेंगे, फादर का नेम यहाँ पे हिंदी में डालेंगे। हिंदी में नेम कैसे डालना है मैंने बाकी भी आपको कई फॉर्म्स में बताया है कि हिंदी टाइपिंग आप कैसे करें, मैं फिर बता दे रहा हूँ। आप एक न्यू टैब ओपन करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे google.com/input-tools/try। तो आपके सामने इस तरह का देखिए पेज आ जाएगा। यहाँ पे आप ये इंग्लिश का बटन देख रहे हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हिंदी पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं एक नेम लिख के दिखा देता हूँ। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ रवि सिंह लिखना है, मैं इंग्लिश में ही टाइप करूँगा रवि सिंह को, तो देखिए मैंने जैसे रवि लिखा तो यहाँ पे हिंदी में ऑप्शन आ गए। आप स्पेस करेंगे या फिर जिस भी ऑप्शन पे आपको चाहिए जो आपका सही आंसर हो आप उस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए इस तरह से आ जाएगा। फिर आप सिंह लिखेंगे, फिर देखिए ऑप्शन आ जाएगा, आप फिर क्लिक कर देंगे इस तरह से आ जाएगा। एक स्पेस आ जाती है लिखने के बाद, आप वो बैक करके डिलीट कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। आप यहाँ से अपने सिस्टम में कॉपी कर ले, कॉपी करके वेबसाइट पे वापस से आए और जहाँ पे हिंदी पे पेस्ट करना है वहाँ राइट क्लिक करके आप पेस्ट कर दें। तो देख सकते हैं इस तरह से आप नेम को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मदर का नेम इंग्लिश में लिखेंगे, उसके बाद मदर का नेम यहाँ हिंदी में लिखेंगे। हिंदी मैंने बता दिया है कि कैसे आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ से रिलीजन सेलेक्ट करेंगे कि कौन है जो अप्लीकेंट है उसका रिलीजन क्या है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, ST, ST, अदर, बैकवर्ड या जनरल। अगर आप यहाँ पे देखिए जनरल सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे ये जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट नंबर है ये आपको नहीं फिल करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा लोडिंग में टाइम ले रहा है, लोड हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं जैसे जनरल हो गया यहाँ पे ये ऑप्शन हट गया, लेकिन ST, ST के लिए ये आपको ऑप्शन यहाँ पे रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट नंबर या जिसे कहते हैं कास्ट नंबर, ये आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ये देखिए ऑप्शन फिर से यहाँ पे आ गया। अब यहाँ हॉरिजॉन्टल रिजर्व कैटेगरीज है जो कि प्लेयर है अगर कोई स्पोर्ट पर्सन है, या एक्स सर्विसमैन है, फ्रीडम फाइटर है, हैंडीकैप पर्सन है या वुमेन है, तो वो यहाँ पे टिक करे वरना इसको ब्लैंक छोड़ दे। उसके बाद यहाँ पे ऑफिस आपको सेलेक्ट करना होगा। ये ऑफिस जो आप जहाँ से रीजनल एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ये उसके लिए होता है, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया के लिए वेबसाइट बनी होती है तो इनको ये पता होना चाहिए कि आप अप्लाई कर रहे हैं तो किस शहर के लिए एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं और किस जगह से आप एम्प्लॉयमेंट की अपेक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो आप जिस भी सिटी के लिए चाहते हैं आप पहले उस सिटी को सेलेक्ट करेंगे। सिटी को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, तो आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप किस विभाग से चाहते हैं। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं उनमें से एक आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्पेशल टाइप आइडेंटिफिकेशन है जिसमें किसी तरह का आइडेंटिटी प्रूफ कार्ड आपको लगाना होगा, जैसे वोटर आईडी, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा, पैन या पासपोर्ट। आप इसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी कार्ड आपके पास होगा उसका जो नंबर होगा, यूनिक आइडेंटिटी कार्ड जो भी आपने लगाया है वो नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद क्या आप विदेश में काम करने के इच्छुक हैं, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं इसकी मदद से तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, नहीं जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टिक नहीं करेंगे। टिक करने के बाद देखिए यहाँ पर इच्छुक स्थान के बारे में पूछा जाता है, कंट्रीज आ जाती हैं कि आप किस कंट्री में जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप जाना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं जाना चाहते तो ये टिक के ऑप्शन को आप यहाँ से हटा देंगे।
उसके बाद यहाँ चूज फाइल करेंगे। चूज फाइल करके आपने जहाँ भी अपनी एक फ़ोटो रखी है आप उसको डबल क्लिक करेंगे और सेलेक्ट कर लेंगे। आपको फ़ोटो का साइज़ बनाना है, क्या साइज़ है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो ये फ़ोटो जो रखी है इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह से अलर्ट आ जाएगा कि जो आप फाइल फॉर्मेट अपलोड कर रहे हैं वो सिर्फ PDF, JPEG, JPG, PNG होना चाहिए और फाइल का साइज़ 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर साइज़ सही होगा तो ये आपको यहाँ पर शो होकर आने लग जाएगी। तो मैंने देखिए इस फॉर्म को बता दिया है लेकिन अभी फिल नहीं करा है। मैं आपको सारे फॉर्म्स की डिटेल बता देता हूँ, फिर आपको सारे फॉर्म्स को भरा हुआ भी दिखा दूंगा कि फिल होने के बाद कैसा दिखता है। तो इससे वीडियो शॉर्ट हो जाएगी और आपको समझने भी जल्दी होगी, क्योंकि अगर मैं एक एक फॉर्म को भरूंगा तो उसमें टाइम भी लगेगा। तो यहाँ पे आप अपलोड कर लेंगे फ़ोटो, उसके बाद यह सेव का बटन है, आप सेव कर देंगे, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ सेव हो जाएगी। अब उसके बाद ये कॉन्टैक्ट पे आप क्लिक करेंगे तब आप कॉन्टैक्ट डिटेल भर पाएंगे। यहाँ पे आपको पहले स्टेट सेलेक्ट करना होगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर तहसील सेलेक्ट करेंगे, फिर विकास खंड का ऑप्शन आ जाएगा, तहसील के बाद आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप शहर से हैं तो शहर के एरियो के नाम आ जाते हैं, आप गांव से हैं तो गांव के विलेज के नाम आ जाते हैं, आप सेलेक्ट करेंगे। आपके आधार या जो भी आप यूनिक आइडेंटिफिकेशन आपने फर्स्ट पर्सनल डिटेल में लगाया है उसमें पिन कोड होगा, आप वो पिन कोड यहाँ डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर पूरा अपना कम्प्लीट एड्रेस लिख देंगे, स्टेट, गाँव, मोहल्ला, रोड, पिन कोड के साथ। उसके बाद यहाँ पे है परमानेंट एड्रेस सेम एज अबव एड्रेस, तो यहाँ पे पूछा है कि आपका परमानेंट एड्रेस सेम एज अबव एड्रेस है, तो आप यहाँ यस पे टिक कर देंगे। अगर अलग है तो आप नो पे टिक करेंगे, तो उसके बाद आपका एक फॉर्म और खुल जाएगा। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ नो पे टिक करा है तो ये देख सकते हैं अब परमानेंट एड्रेस फिल करने के लिए एक फॉर्म खुल गया, लेकिन अगर आपका सेम है तो आप यहाँ यस पे टिक करेंगे तो ये फॉर्म यहाँ से हट जाएगा, आपको दोबारा से कोई दूसरा फॉर्म यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन में नहीं भरना पड़ेगा। तो कॉन्टैक्ट डिटेल भर लेंगे आप, उसके बाद यहाँ फिर से सेव करेंगे तो ये डिटेल यहीं पे सेव हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए आप फिर यहाँ फिजिकल पे क्लिक करेंगे। फिजिकल पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी हाइट मांगी गई है, आपका वेट कितना है, उसके बाद यहाँ आपके ब्लड ग्रुप का टाइप क्या है और आपकी आईसाइट के बारे में पूछा गया है कि जनरल है मतलब नॉर्मल है या फिर आप चश्मा लगाते हैं या फिर किसी तरह का भी कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं अपनी आँखों में, तो आपको यहाँ बताना होगा। उसके बाद यहाँ है आर यू हैंडीकैप, मतलब अगर आप में किसी तरह की डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ यस करेंगे, नहीं है तो आप यहाँ नो पे रहने देंगे। और ये जो हाइट है और वेट है ज़रूरी नहीं कि आप एकदम एग्जैक्ट बताएं, कोई अभी नापेगा नहीं आपके पास आके, तो आप नियर अबाउट अपना आइडिया से भी डाल सकते हैं और वेट भी आप अपने आइडिया से डाल सकते हैं। हाँ, ब्लड ग्रुप की बात है, अगर आपको ब्लड ग्रुप पता है तो आप डाल सकते हैं, वरना इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी फिजिकल इन्फॉर्मेशन भी सेव हो जाएगी। फिर आप आएंगे एजुकेशन की डिटेल्स पे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आते ही आप देखेंगे ऊपर दो पॉइंट्स लिखे हैं, जिसका मतलब है कि अगर आपकी हाई स्कूल से ज़्यादा क्वालिफिकेशन है तो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी होगी, मतलब हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, जो भी आपने करा है सारी चीज़ें। और अगर आपकी लेस देन हाई स्कूल है तो आपकी लेस देन हाई स्कूल जो एक लास्ट होगी, मतलब 9th, 8th, 7th, 6th, 5th, 4th, जो भी आपने करा है बस आपको वो भरनी होगी। भरने के लिए आपको यहाँ पे यस के बटन पे क्लिक करना होगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करने के लिए। तो देख सकते हैं इस तरह से आ गया हाईएस्ट एजुकेशन लेवल का। तो अगर आपने हाई स्कूल से ज़्यादा पढ़ा है तो आप यहाँ पे जो भी आपने पढ़ा है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एमफिल, तो हाईएस्ट जो आपका है आप वो सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपने हाई स्कूल से कम पढ़ा है तो ये बिलो SSC का ऑप्शन है, आपको ये सेलेक्ट करके जो लास्ट होगी आपकी वो आप फिल कर देंगे। तो यहाँ जैसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के लिए पूछा है तो यहाँ पे जैसे पोस्ट ग्रेजुएट सेलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद ये ऐड न्यू एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ऑप्शन है, आपको ये यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आपको एक एक करके सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरनी होगी, लेकिन आपको स्टार्ट यहाँ पे हाई स्कूल से ही करना है। कैसे करना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रुप है पहला, तो क्वालिफिकेशन ग्रुप में आपने सबसे पहले हाई स्कूल करा होगा तो हाई स्कूल आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप ये कैटेगरी के ऑप्शन पे आ जाएंगे, आप यहाँ से क्लिक करेंगे कि ये जो हाई स्कूल था ये किस साइट से आपने करा था, मतलब स्ट्रीम क्या थी, तो यहाँ पे आप स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर से आप एजुकेशन लेवल पे आ जाएंगे, आप यहाँ पे फिर से हाई स्कूल सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ स्पेशलाइजेशन आ जाएगा कि सब्जेक्ट क्या थे, तो यहाँ पे आपका हिंदी अगर था तो आप टिक करेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, लोडिंग होगा। फिर इंग्लिश था तो आप टिक करेंगे, मैथ्स था तो आप टिक करेंगे। तो आपके जितने भी सब्जेक्ट्स थे आपको इस तरह से यहाँ पर टिक करना होगा सारे सब्जेक्ट्स को। आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देखिए और सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, तो आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं सब आप टिक करते जाएंगे। उसके बाद यहाँ मीडियम पूछा था कि आप हिंदी मीडियम से पढ़ते थे या इंग्लिश मीडियम था, जो भी आपका मीडियम हाई स्कूल का था आप सेलेक्ट करेंगे। हाई स्कूल का स्टेट क्या था, ड्रॉप डाउन में ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी थी, बोर्ड था, यहाँ सारे बोर्ड आ रहे हैं, आपका जो बोर्ड था आप सेलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद इंस्टीट्यूशन का नेम आपको मैन्युअली लिखना होगा, मतलब आपने जहाँ में पढ़ के ये हाई स्कूल पास करा है वो आपको मैन्युअली लिखना होगा। मैन्युअली लिखने के बाद यहाँ मोड ऑफ एजुकेशन आ जाता है कि ये जो आपने हाई स्कूल करा है फुल टाइम था, पार्ट टाइम था या करस्पॉन्डेंट था, तो जो भी आपका था आप सेलेक्ट कर लेंगे। हाई स्कूल जब आपने पास करोगा आपको एक सर्टिफिकेट नंबर मिला होगा, आपकी मार्कशीट पे और सर्टिफिकेट पे एक नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए सर्टिफिकेट नंबर आपको लिखना है, तो सर्टिफिकेट का जो नंबर है आप वो यहाँ मेंशन करिएगा। सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करने के बाद यहाँ पे एजुकेशन टाइप के लिए पूछा है कि आपने कंप्लीट कर ली है या फिर अभी आप हाई स्कूल में हैं, तो अगर आपका जो भी ऑप्शन है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने कंप्लीट कर ली है तो यहाँ पासिंग ऑफ ईयर आ जाएगा, तो आपने किस ईयर में या किस मंथ में पास करी थी पहले आपको वो सेलेक्ट करना होगा, फिर ईयर कौन सा था पासिंग का आपको वो सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पूर्णांक है और प्राप्तांक है, तो मतलब यहाँ टोटल मार्क्स आपके कितने थे हाई स्कूल में वो आपको सेलेक्ट करना होगा और आपको कितने मिले वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑप्शन और आ जाता है ग्रेड परसेंटेज का, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको बताना होगा आपके मार्क्स जो थे एवेल्युएशन टाइप क्या था, परसेंटेज सिस्टम था या ग्रेड सिस्टम था, जो भी सिस्टम था आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन कम्प्लीट हो जाती है, आप यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप आपके सामने आ जाएगा, देख सकते हैं इस तरह का पॉपअप आएगा योर इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली सेव्ड। इसी तरह का पॉपअप आएगा जब आप इंडिविजुअली हर एक टैब को कंप्लीट करते रहेंगे, आपको सेव पे बटन पे क्लिक करना होगा हर बार इस तरह का पॉपअप आएगा, आप यहाँ ओके कर देंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन देखिए सेव हो जाएगी। अब जैसे आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन भरनी है हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट की, तो आप यहाँ फिर से करेंगे क्लिक ऐड न्यू एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। अब देखिए फिर से इस तरह से ऑप्शन आ गया, आप ये पूरी डिटेल्स फिर से भरेंगे, फिर आप सेव पे क्लिक करेंगे, ये हाई स्कूल के नीचे शो होके आने लग जाएगा। लेकिन अगर आपने कुछ गलत भर दिया है और आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ संशोधन करें पे क्लिक करेंगे तो आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपकी गलत है तो आप ये हटाए का ऑप्शन है क्लिक करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से हट जाएगी और आपको दोबारा से सब भरना होगा। तो आप अपना ये टैब भी इन्फॉर्मेशन पूरी एजुकेशन की कंप्लीट कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको अपनी लास्ट तक एजुकेशन लिखनी होगी जो भी आपने करी है, पोस्ट ग्रेजुएट एमफिल तक या डॉक्टरेट तक जो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है, अब वहाँ तक की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भरनी हो। उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे एजुकेशन नॉलेज के ऊपर, एजुकेशन नॉलेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे है लैंग्वेज टाइप, तो आपको कौन सी लैंग्वेज आती है पहले आपको वो सेलेक्ट करना होगा। तो जो लैंग्वेज आप अच्छे से बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, आप उसी लैंग्वेज को यहाँ पे टिक करिएगा, क्योंकि यहाँ आपको आगे ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि आप बोल भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं। और आपको ये आखिरी ऑप्शन जो है फ्लो का मतलब होता है कि आप क्या एकदम आराम से बोल लेते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि मैं वीडियो में आपके लिए हिंदी को बोल रहा हूँ, तो क्या इस तरह से आप इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज बोल सकते हैं? तो यहाँ पे अगर आप बोल सकते हैं तभी यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा, नहीं बोल सकते हैं तो आप यहाँ पे टिक मत करिएगा। जैसी भी आपकी कंडीशन हो उस हिसाब से आप ये सब टिक कर लीजिएगा, फिर आप यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से फिर पॉपअप आ जाएगा, आप फिर से यहाँ ओके कर देंगे। अब मान लीजिए आपने एक लैंग्वेज यहाँ हिंदी कर दी, अब आप एक से ज़्यादा लैंग्वेज कर सकते हैं, मतलब जैसे आपको इंग्लिश भी आती है तो आप यहाँ से जैसे इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए, आपके यहाँ सारे ऑप्शन पर टिक रहेगा। लेकिन अगर आप फ्लो में बोल लेते हैं तो आप यहाँ टिक रहने देंगे, वरना आप यहाँ से टिक हटा देंगे और फिर आप दोबारा पे सेव पे क्लिक करेंगे, इन्फॉर्मेशन सेव सक्सेसफुली आएगा, आप यहाँ ओके कर देंगे तो देखिए इसकी बार यहाँ पे यस यस आ जाएगा तीनों में, यहाँ नॉट आ जाएगा। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं फिर से यहाँ क्लिक करेंगे हट जाएगा, कुछ चेंज करना चाहते हैं रीड राइट स्पीक में तो आप यहाँ संशोधन करें पे करेंगे तो आपका संशोधन हो जाएगा। और कोई लैंग्वेज भी अगर आपको आती है जिसको आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं या समझते हैं, तो आप यहाँ ड्रॉप डाउन में उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी लैंग्वेज यहाँ पे दी गई है। इसके बाद आएंगे स्किल्स के ऊपर, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास किसी तरह की अगर स्किल्स है, देखिए यहाँ पूछा आर यू गॉट एनी वोकेशनल ट्रेनिंग और टेक्निकल स्किल्स, तो आप यहाँ पे यस करेंगे। अगर आपके पास स्किल है तो फिर उसको ऐड करना होगा, ऐड न्यू स्किल का ऑप्शन है, आप यहाँ क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए नेम ऑफ स्किल पूछा है, तो किस तरह की आप पे स्किल है, टीचर की स्किल है, कोचिंग में पढ़ाते हैं तो टीचर की स्किल हो सकती है, आप टेक्निकली साउंड है मतलब आपको कोडिंग आती है, या फिर कंप्यूटर या सिस्टम या हार्डवेयर नेटवर्किंग की नॉलेज है तो आप IT सेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देखिए फिक्सिंग है, रिपेयरिंग ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर नॉलेज है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको जेम्स एंड ज्वेलरी सोना चांदी के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज है तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इनकम टैक्स के एडवाइज़र है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए बहुत से ऑप्शन है, इलेक्ट्रिक, कॉमर्स, कुक, रिपेयर, फूड, गैस, TV, ड्राइवर, मतलब यहाँ कह सकते हैं आपको ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जिस तरह की स्किल की रिक्वायरमेंट है, और आप भी इसमें से फिल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर आप कम पढ़े लिखे भी हैं तो इसमें आपको बहुत अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं
और आगे जब मैं कंपनीज के बारे में बताऊंगा तो आप उसमें डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ आप जो भी स्किल है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन और है, व्हाट वोकेशनल ट्रेनिंग ऑब्लिक स्किल्स टू हैव अटेंड एन इंस्टीट्यूशन। तो अगर आपने कोई ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूशन में अचीव करी है, मतलब कहीं भी आपको मिली है, सर्टिफिकेट है, आपने कहीं सीखा है, तो आप यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद आपको वो रिकग्नाइज बॉडी का नाम लिखना होगा जो इंस्टीट्यूशन है, या जैसे आप कह सकते हैं कि पॉलिटेक्निक में सिखाया जाता है बहुत से काम, तो अगर वहाँ आपने सीखा है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कि कहाँ से आपने सीखा है, बॉडी कौन सी है, ट्रेनिंग स्टेटस आपका क्या है, कंप्लीट है या पेंडिंग है, और उसके बाद इंस्टीट्यूशन जहाँ से आपने सीखा है उसका नेम लिखना होगा। लेकिन अगर आप खुद काम करते हैं, खुद से आपने सीखा है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन से नहीं सीखा है, तो आप यहाँ नो पे रहने देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो आपकी एक क्वालिफिकेशन यहाँ देखिए इस तरह से प्रॉपर फिर आएगा, सेव हो जाएगी। अब आपको फिर से अगर ऐड करनी है, कोई दूसरी नॉलेज भी आपके पास है, दो चार काम आप जानते हैं, फिर से आप ऐड न्यू स्किल पे क्लिक करेंगे। आपके पास जो दूसरी नॉलेज है आप फिर से ड्रॉप डाउन में यहाँ पे आएंगे, जो दूसरी नॉलेज आपके पास है आप वहाँ यहाँ पे आके आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपके पास दूसरी कौन सी नॉलेज है जो आप अच्छे से जानते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फिर से यहाँ पे सेव का बटन है, आप सेव कर देंगे तो ओके का करना होगा यहाँ पे। फिर आज देखिए वो क्वालिफिकेशन भी आपकी यहाँ पे शो के आने लग जाएगी। डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ हटाए के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो डायरेक्टली ये हट जाता है। अब उसके बाद आते हैं एक्सपीरियंस पे, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है यहाँ पूछा गया है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। यस करने के बाद आपको नीचे कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसमें टोटल ईयर का एक्सपीरियंस आपसे पूछा गया है कि कितना है। तो देख सकते हैं 50 साल तक का भी एक्सपीरियंस वालों को यहाँ पे जॉब मिल सकती है। तो जो भी एक्सपीरियंस होगा आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ईयर के बाद यहाँ पे आपको मंथ सेलेक्ट करना होगा, कितने मंथ तक का एक्सपीरियंस है। करंट पोस्ट ऑफ लास्ट जॉब, तो यहाँ पे जो लास्ट जॉब थी आपको उस पर लिखना होगा कि आप यहाँ पे क्या थे। तो आप जो भी थे लास्ट पोस्ट में अपनी आपको लिखना होगा, लेकिन अगर सेल्फ वर्क करते थे तो आप ओनर भी यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ एम्प्लॉयर थे, तो यहाँ पे देखिए आप उसको सेलेक्ट करना होगा, आप एम्प्लॉयर थे तो कहाँ पे थे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, लोकल बॉडीज़ में थे, किसी प्राइवेट में थे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते थे या स्टेट गवर्नमेंट थे, तो आप जो भी थे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ एक्सपीरियंस डिटेल पूछी गई, किस एरिए में आपको एक्सपीरियंस था, तो आपको जिस एरिए में एक्सपीरियंस था जो आपने करा हो उसको आप सेलेक्ट करेंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन नेम ऑफ द कंपनी है, तो यहाँ फिर से आपको वही सेलेक्ट करना होता, प्राइवेट था, सेल्फ था, गवर्नमेंट था, जो जहाँ से भी था आपको सेलेक्ट करना होगा। टाइप ऑफ एम्प्लॉयर थे, मतलब आप किस तरह का वर्क वहाँ करते थे, क्या थे, आपको लिखना होगा। उसके बाद आपको किस नाम से पोस्ट मिली थी वो आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स लिखनी होगी कि किस तरह का आप काम करते थे। तो जैसे अगर कोई आईटी का बंदा है तो वो वेबसाइट बनाता है, डिज़ाइनिंग भी कर सकता है, फोटो क्रिएशन भी करता था, या फिर डेटाबेस को भी मैनेज करता था, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप किसी कंपनी में मोटर मैकेनिक थे तो आप यहाँ पर लिख सकते होंगे आप ऑल तरह के मोटर्स को, इंजन को बनाते थे, तो इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं। नेचर ऑफ जॉब का ऑप्शन आएगा तो सेलेक्ट वन करना होगा कि आप जो काम करते थे वो फुल टाइम था, पार्ट टाइम था, इंटर्नशिप था या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था, तो आपका जो होगा आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग था कि किस दिन आप यहाँ पर ज्वाइन करा था आप यहाँ पर फिल करेंगे, किस दिन आपने छोड़ा है यहाँ फिल करेंगे। लीविंग रीज़न ऑफ द सर्विस था, तो आप यहाँ पर छोड़ा क्यों आपने इस कंपनी में वो आप मेंशन करेंगे। आपकी जॉब की सैलरी कितनी थी जब आपने छोड़ा था वो यहाँ मेंशन करेंगे। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन है क्या आप मतलब किसी कंपनी के साथ किसी जॉब में लगे हुए हैं, कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो आप यहाँ यस करेंगे, यहाँ पे मतलब टिक करना होगा, नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पे टिक ये हटा देंगे। उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल कर लेंगे, फिल करने के बाद आप यहाँ पे सेव करेंगे तो आपकी एक्सपीरियंस डिटेल यहाँ सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद फिर से आपको एक नया जोड़ना चाहते हैं, मान लीजिए ये एक कंपनी की एक्सपीरियंस डिटेल थी, दूसरी कंपनी की एक्सपीरियंस डिटेल के लिए फिर देखिए ऑप्शन है नया अनुभव जोड़े, तो आप फिर से क्लिक करेंगे और दूसरी कंपनी की डिटेल्स फिर आपको इसी तरह से पूरी फिल करनी पड़ेगी। 2, 3, 4 जितनी भी कंपनियों में आपका एक्सपीरियंस है आप इस तरह से उसको जोड़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एक्सपीरियंस के बाद अब प्रेफरेंस के ऑप्शन पे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं एरिया पूछा गया है कि आप किस में अब जॉब चाहते हैं। अभी तक आप अपनी क्वालिफिकेशन भर रहे थे, लेकिन अब ये ऑप्शन पूछा जाता है कि अगर आप अब जॉब चाहते हैं तो किस सेक्टर में चाहते हैं। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आपको अगर किसी सेक्टर में काफ़ी अच्छी नॉलेज है, 2-4 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ उसी सेक्टर को सेलेक्ट करिएगा, उसमें जॉब मिलने में आसानी रहती है, कॉल आ जाती है जल्दी। लेकिन अगर आप कोई नई फील्ड सेलेक्ट करते हैं तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि आपका पुराना एक्सपीरियंस कंपनी वाले देखते हैं कि किसी और फील्ड में था, तो आपको एज अ फ्रेशर ट्रीट करते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस होती हैं फिर कॉल। बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, आप जितनी भी
ऑप्शन को टिक करना चाहे तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं, कोई ऐसी लिमिट नहीं दी है, जिसमें भी चाहे आप यहाँ पे देखिए इस तरह से आप लगातार टिक कर सकते हैं। टिक करते रहेंगे वो ऐड होता रहेगा, यहाँ ऊपर आपको शो होता रहेगा। उसके बाद नीचे है कि जॉब विलनेस क्या है, जो जॉब ये ऊपर आपने टिक करी है वो किस डिपार्टमेंट में चाहते हैं, सेंट्रल में चाहते हैं, गवर्नमेंट में चाहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में चाहते हैं, किसी पब्लिक सेक्टर में चाहते हैं, किसी लोकल बॉडीज़ में चाहते हैं या फिर किसी प्राइवेट में चाहते हैं। तो आप जिसमें भी इसमें चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इफ़ यू, उसके बाद पूछा है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पार्ट टाइम वर्क, मतलब अगर मान लीजिए कोई पार्ट टाइम वर्क है तो क्या आप वो करना चाहेंगे। अगर वो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पे नो पे ही टिक रहने दीजिएगा, ये आपके ऊपर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है सैलरी लिमिट का, जिसमें आपको पर मंथ के हिसाब से बताना है, उसमें आपको बताना है कि आप पर मंथ कितने की सैलरी चाहते हैं पर मंथ। तो आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप सैलरी तो यहाँ 2 लाख रुपये पर मंथ तक की भी है, लेकिन 2 लाख रुपये पर मंथ की सैलरी के लिए आपको उतना एक्सपीरियंस, उतनी नॉलेज, उतनी स्किल होनी चाहिए, तभी आपको 2 लाख रुपये की सैलरी दी जाएगी। बाकी ऑप्शन यहाँ स्टार्टिंग 10,000 से है, 10,055 से लेकर आप 2 लाख तक के बीच में जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है या फिर जो प्रीवियस कंपनी में आपको मिलता था आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद है आर यू विलिंग टू वर्क आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए यूपी है और आप महाराष्ट्र में काम कर सकते हैं तो आप यहाँ यस करेंगे, नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे नो टिक कर दीजिएगा, लेकिन जैसा भी आपको अप्लीकेबल हो आप यहाँ पे यस और नो में कर सकते हैं। आप यस करेंगे तो देखिए यहाँ डिजायर्ड लोकेशन का ऑप्शन एक और आ जाएगा। उसके बाद है इन हिज डिस्ट्रिक्ट, इन योर लैंड, इन योर कंट्री, अदर कंट्रीज, डिजायर सिटी और डिजायर स्टेट। अब देखिए यहाँ यस करने के बाद ये यहाँ तक पूछा गया है कि आप क्या कंट्री से बाहर भी करना चाहते हैं। अगर आप कंट्री से बाहर जॉब करना चाहते हैं तो अदर कंट्रीज़ का ऑप्शन है, आप यहाँ पे ये सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा रुकना होगा और ये सेव का बटन है, आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपकी यहाँ इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। देखिए पॉपअप आ गया, आप यहाँ पे ओके कर देंगे। अब यह लास्ट इन्फॉर्मेशन है डिक्लेरेशन का, आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ दी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो जो आपने भर देंगे वो देखिए इस तरह से टिक हो जाएगा, और जो आप नहीं भरेंगे या इनकम्प्लीट भरेंगे तो देखिए उस पर क्रॉस बना रहे। तो यहाँ पे आपको बस लास्ट में यहाँ कंसर्न देना है और सेव पे क्लिक करना है। तो क्योंकि मैंने अभी अपने पूरे फॉर्म को फिल नहीं करा इसलिए मैं यहाँ पे कंसर्न नहीं दे रहा हूँ। अब मैं पूरे फॉर्म को अपने फिल कर लेता हूँ और यहाँ पे कंसर्न देके सेव कर दूंगा। इसके बाद होता कुछ नहीं है, वापस आप डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं। तो मैं अब आपको पूरे फॉर्म को अपने फिल करके यहाँ कंसर्न देके सेव पे क्लिक करके दिखाता हूँ कि किस तरह से फॉर्म पूरा शो होता है और फिर आपको आगे कैसे अप्लाई करना है बाकी जॉब्स के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारी डिटेल्स फिल कर दी हैं। अब यहाँ पे आप जो ऊपर डैशबोर्ड पे देखिए टैब मैंने दिखाए थे सब ग्रीन कलर से हो गए हैं, एक टैब को जो मैंने फिल नहीं करा वो देखिए सिर्फ रेड से आ रहा है, बाकी सब ग्रीन हो गए हैं। और यहाँ मैं आपको डिक्लेरेशन पे भी क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए डिक्लेरेशन है, यहाँ पे भी सारे टैब टिक हो गए हैं, एक जो फिल नहीं करा वो क्रॉस है, यहाँ पे कंसर्न दिया, सेव प्रोफाइल कर दिया। प्रिंट आउट चाहते हैं, मान लीजिए कहीं आपका सिलेक्शन होता है, जाना होता है, तो आप यहाँ देखिए प्रिंट X10 का रिपोर्ट का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से ये आपका पूरा प्रिंट आउट आ जाता है। बस आप यहाँ प्रिंट का ऑप्शन नीचे लास्ट में दिया है, आप यहाँ पे फिर से टिक करेंगे तो इस तरह से आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। यही मेन होता है क्योंकि इसमें देखिए पंजीयन संख्या नंबर होती है, और चाहे तो आप सेव करके रख सकते हैं, चाहे तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और किसी अगर कंपनी ने आपका ये भी मांगा होता है बायोडाटा का पंजीयन संख्या नंबर, तो आप यही उनको मेल भी कर सकते हैं। अब यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। अब आपको अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब आपको किसी भी जॉब में अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है ये मैं अब आपको बता दे रहा हूँ। ये आप ऑप्शन देख सकते हैं अप्लाई फॉर जॉब्स का, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन खुल जाएंगे। सबसे पहला है आउटसोर्स, उसके बाद है प्राइवेट, फिर है सरकारी और फिर है रोज़गार मेला। तो यहाँ पे आप जिस भी टैब में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जॉब जो होंगी वो शो होने लग जाएंगी। अब जैसे आउटसोर्स नौकरी में कोई जॉब नहीं है तो यहाँ नहीं शो हो रहा है, क्योंकि COVID-19 की वजह से सारी जॉब्स को यहाँ पे हाइड कर दिया गया है, वरना यहाँ काफ़ी जॉब्स के नोटिफिकेशन आते रहते थे और आपको फ़िल्टर करना होता था कि आपको किस रेंज, किस डिपार्टमेंट, किस ज़िला और किस योग्यता के हिसाब से जॉब चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अभी आ नहीं रहा है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। अब ये प्राइवेट पे है, क्लिक करेंगे तो यहाँ प्राइवेट पे भी नहीं है। सरकारी पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं सरकारी में एक शो हो रही है। उसके बाद रोज़गार मेला में भी देख लेते हैं तो यहाँ पे भी देखिए नहीं है। तो इस तरह से जॉब आती हैं। अगर आपकी यहाँ लॉट्स ऑफ जॉब शो हो रही हैं, क्योंकि अभी मैं फिर से बता रहा हूँ कोविड की वजह से नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत सारी जॉब्स हमेशा शो होती रहती हैं, तो आपको अपनी जॉब्स में से फ़िल्टर करने के लिए ये ऑप्शन है कि पहले आपको सेलेक्ट करना होगा किस रेंज तक की आप जॉब ढूंढ रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे आप किस सेक्टर में ढूंढ रहे हैं वो सेक्टर आपको लिखना होगा, फिर आप कौन से ज़िले में देख रहे हैं इस जॉब को आपको ये सेलेक्ट करना होगा, फिर आप किस योग्यता वाली जॉब को देख रहे हैं या फिर आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है
आप वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और जब खोजे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो बहुत सारी जॉब आ रही हैं, उसके बाद जो यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स आ रही हैं उसमें जो आपने ये फ़िल्टर की चीज़ें भर दी हैं, जैसे योग्यता में एमफिल मांगा जाए या फिर वेतन इतनी होनी चाहिए या सेक्टर ये होना चाहिए, तो सिर्फ वही जॉब यहाँ पर शो होकर आएंगी। उसके बाद आपको करना क्या होता है ये भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे सरकारी में एक जॉब दिख रही है, तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है आवेदन करने का, क्योंकि अभी ये डेट की डेट निकल गई है तो इसलिए यहाँ नहीं हो पा रहा। आप सिंपल से यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो अप्लाई हो जाता है। तो आपकी जो ये प्रोफाइल आपने पूरी भरी है, ये डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं, ये जो आपने पूरी प्रोफाइल भरी है 9 पार्ट्स में, ये पूरी प्रोफाइल उस कंपनी को, उस विभाग को शेयर हो जाती है। उसके बाद वो आपकी CV देख के आपको कॉल भी कर सकते हैं या आपको ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद जब आप अप्लाई जॉब्स पे आएंगे तो आप यहाँ पे जितनी भी जॉब्स के लिए अप्लाई कर चुके होते हैं उसको देखिए, आवेदित जॉब का ऑप्शन आता है। आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी जॉब आप अप्लाई कर चुके होते हैं वो अलग से आपको यहाँ दिख रही होती हैं, तो इसलिए दोबारा आपको उस पर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पूरा प्रोसेस था किस तरह से आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अगर आपको अपना मोबाइल नंबर भी अपडेट करना है और ईमेल आईडी भी, तो आप यहाँ मोबाइल और ईमेल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना करंट मोबाइल नंबर लिखेंगे और जो पहले आप इस्तेमाल करते थे, उसके बाद जो नया मोबाइल नंबर आप चाहते हैं अपडेट करने के लिए वो आप यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ डिस्पैच पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद इसी हिसाब से ईमेल के लिए आप पुरानी ईमेल आईडी लिखेंगे और नई ईमेल आईडी लिखेंगे और डिस्पैच कर देंगे। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे जो आपका पुराना नंबर है उसके आखिरी के 4 नंबर शो होते हैं, इसी तरह जो पुरानी ईमेल आईडी है उस वो भी आखिरी की शो होती है। तो अगर आप भूल गए हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है। तो इस पोर्टल का अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, जिसके अंदर लॉगिन करने के बाद आप ये सारे काम कर सकते हैं, तो यहाँ आप पुराना पासवर्ड डालेंगे, नया डालेंगे, पासवर्ड को रिकन्फर्म करेंगे और उसके बाद आप यहाँ परिवर्तन करें पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पासवर्ड किस तरीके से बनाना है ये 5 पॉइंट्स में बताया गया है, आप इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद लास्ट ऑप्शन लॉगआउट का है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे बस से आप लॉगिन स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब आपने जो यूज़र आईडी बनाई थी, जैसे मैंने बताया था, मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके वो मोबाइल नंबर डालेंगे, जो पासवर्ड बनाया था वो आप पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड इंटर करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप किसी भी जॉब के लिए अगर अवेलेबल है तो अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।